गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम अभी अन्नी में गांव कष्टाधार में आया हूँ संदीप जी का बगीचा देखने। बहुत अच्छी मेहनत करते हैं संदीप जी की। ये सीडलिंग के प्लांट है, कोई तो पुराने पेड़ है रॉयल के, इसके बीच में नई वैरायटी डिलीशियस भी लगाई है। तो ये बीच में प्लांटेशन भी कर रहे हैं नई डिलीशियस वैरायटी। तो ये गड़े बनाए हुए हैं नए, इसमें न्यू वैरायटी लगा रहे हैं। जहाँ भी जो भी खाली जगह है प्लांट के बीच में, वहाँ न्यू प्लांट भर रहे हैं। तो ये तरीका किया है संदीप भाई ने। तो यहाँ से मेहनत भी बहुत करते हैं। ये प्लांट देखिए कितने अच्छे फूलों से भरे पड़े हैं। तो यहाँ सारे में इन्होंने गाड़े खोदे हुए हैं जो भी खाली जगह है। तो इस तरह से प्लांटों के बीच, रॉयल के प्लांट के बीच में डिलीशियस वैरायटी, न्यू वैरायटी आप लगा सकते हो। तो इस तरह से, तो ये पुराने प्लांट है रॉयल के, ये स्कारलेट 2 है और बीमों से भरा पड़ा है। यहाँ की हाइट है 5500 फीट। ये बीम में लोअर बेल्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है स्कारलेट 2, और साइज भी बहुत अच्छा बन रहा है। बहुत अच्छे बीम में आया है, इसमें बहुत मेहनत करते हैं। सब कुछ प्रूनिंग पर ही है। जब प्रूनिंग अच्छी हो प्लांट की तो बीमे अपने आप ही अच्छे निकल जाएंगे। ये रॉयल का प्लांट है, इसमें भी पूरे प्लांट में है बीमे ही बीमे हैं ऊपर तक, बहुत अच्छी फसल देगा। ये स्कारलेट 2 है, इस प्लांट को 10 साल हो गई, तो बीमों से पूरा का पूरा भरा पड़ा है। दोस्तों स्कारलेट 2 लोअर बेल्ट के लिए बहुत अच्छा है, इसे हम 4500 से 6000 तक लगा सकते हैं और कलर भी इसमें फूल आता है। तो बहुत अच्छी डिशेज वैरायटी है, इतने अच्छे बीमे आए इसमें देखो, और प्लांट भी इनके बीमे। मिलते हैं अगली नई वीडियो में।